दमोह जिले के सिंहपुर गांव में ग्रामीणों ने कलेक्टर के सामने अर्जी लगाने के लिए बीच सड़क पर ही उनका वाहन रोक दिया। वाहन रुकने के बाद ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं के संबंध में कलेक्टर से बातचीत की, जिस पर कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने समस्याओं के समाधान की बात करते हुए लिखित आवेदन देने को कहा है। इस दौरान उपस्थित ग्रामीणों ने स्थानीय पटवारी पर पैसा लेकर काम न करने के आरोप लगाए। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि वे लोग 50 सालों से शासकीय भूमि पर काबिज हैं, जिस पर 7 साल से वह उनको पट्टा दिए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अभी बीच में विधायक जी भी गए तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि काम हो जाएगा, लेकिन पटवारी इन लोगों को परेशान कर रहा है। पट्टों की शिकायत है, 7 साल से फिर रहे हम लोग तो पट्टे नहीं भर रहे, तो 50 साल से रह रहे, 3 पेड़ ही निकल गए। मतलब कुछ लोग मतलब 50 साल हो गए, कुछ लोग 100 साल हो गए जैसे रह रहे हैं, और अब तक मतलब हम लोगों के पट्टे नहीं बन रहे। और हमारा पट्टी अब चाहिए, हमारा बहुत परेशान है, 5 साल हो गए। फिर तो मतलब